Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel. Domestic cricket कहीं भी खेली जा रही हो और उसमें जो performances होती हैं वही criteria होता है team में selection के लिए. मैं बात कर रहा हूँ international team में selection के लिए. दुनिया भर में जहाँ भी domestic cricket खेली जाती है तो वो इसलिए खेली जाती है कि वो एक platform मुहैया करती है players को कि वो आएँ उस cricket में perform करें और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पहले ग्रेड टू क्रिकेट खेलें, फिर ग्रेड वन में आएँ और उसके बाद फिर अंडर 19 लेवल में, अगर प्लेयर अभी छोटा उम्र में, तो उसके बाद ए लेवल पे आए, ए टीमों के साथ खेल ले, अंडर 23 खेल ले और उसके बाद फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे. असल मकसद यही होता है डोमेस्टिक क्रिकेट को करवाने का. तो लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि कुछ प्लेयर्स को तो सिर्फ चंद एक मैचेस की परफॉर्मेंस पे ही टीम में खिला दिया जाता है, ना उनके उनके अकाउंट में ज़्यादा विकेट्स होती हैं, ना कोई ज़्यादा 5 विकेट होल्स हासिल किए होते हैं, ना उन्होंने मुख्तलिफ कंडीशंस में इतना सच ऐसा परफॉर्म किया होता है. लेकिन कुछ बेचारे ऐसे बदकिस्मत क्रिकेटर भी हैं जो 300-400 विकेट्स ले के भी सेलेक्टर्स को इम्प्रेस नहीं कर पाते. वो साल हर साल खून पसीना बहाते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में लेकिन फिर भी अपने नेशनल टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते. तो इसी बात को आगे लेके मैंने सोचा है कि मैं एक सीरीज़ शुरू करूं. बाकी वीडियोस तो ऑब्वियसली मैं साथ साथ बनाते ही हूँ मैचेस पे, मुख्तलिफ दीगर जो टॉपिक्स होते हैं हमारे और मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज भी जो चल रही हैं अराउंड द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, उन पर भी हम बात करते रहते हैं. लेकिन मैंने सोचा कि एक ऐसी सीरीज़ भी पैरेलल शुरू की जाए जहाँ उन 8-10 क्रिकेटर्स को मैंने कुछ क्रिकेटर्स को शॉर्ट लिस्ट किया है जो कि जॉइंट परफॉर्मर्स हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के. लेकिन बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि इतना परफॉर्म करने के बाद भी, साल हर साल परफॉर्म करने के बाद भी उनको पाकिस्तान के लिए खेलने का मौका नहीं मिलता या अभी तक नहीं मिल सका. तो सेलेक्टर्स उनसे आई डोंट नो क्यों इम्प्रेस नहीं होते इतने विकेट्स लेने के बाद भी और इतने रन्स बनाने के बाद भी. सेंचुरीज पे सेंचुरीज बना रहे होते हैं बैट्समैन और बॉलर्स 5 विकेट पे 5 विकेट होल हासिल किए जा रहे होते हैं लेकिन सेलेक्टर्स को मुतासर नहीं कर पाते. तो मेरी ये वीडियोस की जो सीरीज़ मैं शुरू करने लगा हूँ इसका मकसद यही है कि उन डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की बात की जाए, उनको हाईलाइट किया जाए जो कि इग्नोर्ड हैं. इतना ज़बरदस्त टैलेंट है उनमें लेकिन इग्नोर्ड हैं, इसलिए मैं अपनी सीरीज़ का नाम भी इस इग्नोर्ड टैलेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट रखने जा रहा हूँ. तो इस सीरीज़ की जो पहली वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूँ उसमें मैंने जिस प्लेयर का इंतखाब किया है वो है सद्दफ हुसैन. नाउ सद्दफ हुसैन पिछले 10-12 सालों से पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में खेल रहे हैं, बड़े ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर हैं सद्दफ हुसैन. लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम हैं, बॉल को दोनों तरफ स्विंग करते हैं. 2011 की सीज़न में वेस्ट इंडीज़ के दौरे के लिए इनकी सिलेक्शन हुई थी लेकिन वहाँ भी उनको नहीं खिलाया गया, जैसे कि हमारे यहाँ अमूमन होता है कि बहुत सारे यंगस्टर्स को सिर्फ सैर सपाटे के लिए दूसरे ममालिक ले जाया जाता है लेकिन उनको खिलाया नहीं जाता, फिर उसके बाद उनको इग्नोर कर दिया जाता है. तो अगर सद्दफ हुसैन के स्टैट्स पे एक नज़र डालें तो पता चलेगा कि सद्दफ हुसैन ने पाकिस्तान के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में कायद अजम ट्रॉफी में अभी तक 94 मैचेस खेले हैं और 410 विकेटें हासिल की हैं, यानी कि मोर देन 4.5 विकेट्स पर मैच, ऑलमोस्ट करीब करीब, नॉट मोर देन लेकिन करीब करीब तकरीबन 4.5 विकेट पर मैच के एवरेज से. और अब 94 मैचेस तक जब आप इस परफॉर्मेंस को मेंटेन रखें और 400+ विकेटें हासिल करें तो ये बहुत ही बदकिस्मती होती है कि आपको इंटरनेशनल टीम के लिए मौका ना मिले, क्योंकि 410 विकेटें आप कोई वीडियो गेम पे क्रिकेट खेल के नहीं हासिल करते. 410 विकेटें हासिल करने के लिए आपको टैलेंट, कैलिबर और उसके साथ साथ हाई लेवल्स ऑफ फिटनेस चाहिए होते हैं. डोमेस्टिक क्रिकेट में आप 10 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया सद्दफ हुसैन को. सद्दफ हुसैन ने अपने जो 410 विकेट्स हासिल किए हैं उनमें 25 5 विकेट होल हैं, 21 4 विकेट होल हैं और उसके साथ 5 10 विकेट होल हैं उनके. और एक इनिंग्स में 37 रन देकर 9 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया हुआ है कि जो उनके बेस्ट परफॉर्मेंस है. और एक इनिंग्स में 9 खिलाड़ियों को आउट करना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं होता,
कोई आम परफॉर्मेंस नहीं होती। और फिर मैच में भी 15 विकेट हासिल किए हुए हैं उन्होंने एक मैच में, जो उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो ये जो बहुत ही भारी भरकम स्टैट्स हैं हमारे यहाँ, तो यहाँ पे 5 मैचेस में 7 मैचेस में 12, 15, 17 विकेट लेने वालों को कौमी टीम में शामिल किया जा रहा है। उनके टैलेंट पर मुझे कोई शक नहीं है, वो हो सकता है आगे जाके बहुत बड़े स्टार बन जाएं। लेकिन जो बात करने की ये है कि अगर आपने सीजनड परफॉर्मर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट में जो साल हर साल से परफॉर्म कर रहे हैं और इतने हैवी स्टैट्स हैं उनके, उनके स्टैट्स आपको नज़र नहीं आते सेलेक्टर्स को, उनको परफॉर्मेंस का मौका नहीं देते, तो ये क्या क्राइटेरिया कि एक तरफ तो 10-15 विकेट लेने वाला बॉलर नेशनल टीम में आ जाता है और एक तरफ 410 विकेटें हासिल करके एक बॉलर टीम के करीब भी नहीं फटकता उसको, मतलब इंटरनेशनल टीम के लिए तो दरकिनार, उसको ए टीमों के काबिल भी नहीं समझा जा रहा, जो कि बहुत एस्टोनिशिंग चीज़ है। फिर अगर हम सदफ हुसैन के वन डे स्टैट्स की भी बात करें तो यहाँ भी उन्होंने 36 मैचेस में, आई थिंक 39 मैचेस में उन्होंने 139 विकेट्स हासिल कर रखी हैं। यहाँ पे भी बड़ी सॉरी 69 मैचेस में 66 मैचेस में उन्होंने 139 विकेट हासिल कर रखी हैं और बहुत आउटस्टैंडिंग स्टैट्स हैं सदफ हुसैन के। अगर वन डे क्रिकेट की भी बात करें, यहाँ भी 5 विकेट होल 3 दफ़ा उन्होंने हासिल किया हुआ है और 5/27 यहाँ उनकी बेस्ट बॉलिंग है। मतलब 2 विकेट पर मैच अगर आप वन डे क्रिकेट में हासिल कर रहे हैं तो बहुत आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है, क्योंकि आजकल क्रिकेट में अगर आप 1 विकेट पर मैच भी हासिल कर रहे हों तो अच्छे बॉलर कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर मोर देन 2 विकेट पर मैच आप ए लेवल की क्रिकेट में हासिल कर रहे हैं तो बहुत आउटस्टैंडिंग स्टैट्स हैं। फिर इकोनॉमीज भी बहुत आउटस्टैंडिंग है, 4 डे क्रिकेट में उनकी इकोनॉमी under 3 या पर ओवर स्ट्राइक रेट 40 का है, जो बड़ी इंप्रेसिव है। फिर पर विकेट एवरेज की बात कर लें 4 डे क्रिकेट में सदफ हुसैन की, तो वो 19.something है, 20 से यानी कि कम है। तो ये हर लिहाज से आउटस्टैंडिंग स्टैट्स हैं और मुझे नहीं समझ आती कि कैसे सेलेक्टर्स इतने भारी भरकम स्टैट्स को इग्नोर कर देते हैं। देखें आप सेलेक्टर्स, किसी भी को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सेलेक्टर्स की भी ये जिम्मेदारी है कि आप सिर्फ अपने भांजे भतीजों को ही ना नवाजें, ठीक है, सारी चीज़ें पाकिस्तान में चल रही हैं उस पर नहीं बात करना चाहूँगा, लेकिन जो बात यह है कि जो जेन्युइनली टैलेंटेड लोग हैं, जो परफॉर्मर्स हैं, मैंने पहले भी कहा कि अगर 410 विकेटें हासिल कर रहे हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 94 मैचेस खेल रहे हैं आपने और इतने मैचेस के बाद भी इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपने मेंटेन किया है, तो ऑब्वियसली आप में टैलेंट है और गट्स है, इसलिए कोई बॉलर ये चीज़ कर सकता है। अदरवाइज़ तो इतने मैचेस तो कोई आम बॉलर, ऑर्डिनरी बॉलर खेल ही नहीं पाता। फिर वन डे क्रिकेट में भी जैसे कि मैंने बताया कि मोर देन 2 विकेट्स पर मैच उनकी एवरेज है, बहुत आउटस्टैंडिंग है। इकोनॉमी भी 5.14 का, जो कि बड़े अच्छा करंट डे क्रिकेट को देखते हुए जितनी फास्ट क्रिकेट हो गई है और जितनी बैट्समैन ओरिएंटेड क्रिकेट हो गई है, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सदफ हुसैन को अगर कहा जाए कि जाइंट ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट है और इतने भारी भरकम स्टार्स को आप किसी तरह से भी इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में ये होता है, हमारे सेलेक्टर्स ऐसा ही करते हैं। अभी तक तो यही देखने में आया, अगली वीडियोस में मजीद मैं 9-8 प्लेयर्स मेरे हैं, बारी बारी अपनी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊँगा, उन प्लेयर्स के भी बात करूँगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने बड़े बड़े और भारी भरकम स्टार्ट्स के बाद उनको इग्नोर किया जा रहा है और एक तरफ 5-7 1-day T20 मैचेस की खेलने वाले को, लिस्ट ए मैचेस खेलने वाले को टीम में ले लिया जाता है, 2-4 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने वाले टीम में शामिल हो रहे हैं और एक तरफ 400+ विकेटें हासिल करने वाले टीम से दूर दूर हैं, उनके नामो निशान नहीं है, टीम के करीब नहीं, उनको भटकने दिया जा रहा। तो ये बड़ी अजीब गरीब बात है, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और एक टीम सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस को किसी तौर इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। यही एक प्लेटफॉर्म है जिस पे परफॉर्म करके प्लेयर्स अगले लेवल तक पहुंच सकते हैं और पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम तक पहुंच सकते हैं। अगर आपने डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को मौका ही नहीं देना तो इस डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या फ़ायदा, फिर बंद कर दें इस डोमेस्टिक क्रिकेट को और फिर PSL के बेस पे सिलेक्शन करते रहें, T20 के परफॉर्मेंस पे वन डे और टेस्ट टीमों की भी सिलेक्शन फिर करते रहें, जैसे कि पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान में हो रहा है, जब से PSL स्टार्ट हुई है ऐसे ही दिखने में आ रहा है। तो बहुत सारे कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स को मौका भी मिला है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत बड़े परफॉर्मर्स हैं लेकिन उनको इग्नोर किया जा रहा है और किया जाता रहा है माजी में, अब भी किया जा रहा है, तो जो बहुत बड़ी ज़्यादती की बात है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के पार्ट पे। तो सदफ़ हुसैन की मैंने बात की, मकसद वीडियो बनाने का यही है और आइंदा भी जो वीडियोस बनाई जाएंगी इग्नोर टैलेंट ऑफ पाकिस्तान पे, इसका मकसद यही है कि इन प्लेयर्स के हक़ में आवाज़ उठाई जाए, इनकी बात की जाए, इनको हाईलाइट किया जाए, प्रमोट किया जाए। और पीसीबी के सिलेक्शन कमेटी से भी रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली जो परफॉर्मर्स हैं उनको मौका दें, जो साल हर साल से परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंसेस को आप इग्नोर ना करें, बाकियों को भी मौका दें, लेकिन जो बड़े परफॉर्मर्स हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं और ख़ास तौर पे जिन बॉलर्स की जिस फॉर्मेट में परफॉर्मेंस है, जिस तरह के सदफ़ हुसैन की मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ और इसके खैर दोनों फॉर्मेट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, तो ऐसे लोगों को मौका लें। इस तरह बैटिंग में भी बहुत सारे स्टार्स हैं जिनकी आने वाली वीडियोज़ में टाइम टू टाइम मैं बात करूँगा। तो इस वीडियो तक के लिए इतने ही, लेकिन जाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँच सकें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।